महाराष्ट्र में आर्यन खान हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले के चर्चे में रहने वाला मुख्य गवाह किरण गोसावी के खिलाफ पालघर के दो युवकों ने उनके साथ नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए का धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पालघर जिले के केलवे रोड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया, जिससे किरण गोसावी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम आपको बता दें कि किरण गोस्वामी पालघर के दो युवक उत्कर्ष तरे व आदर्श किन्नी से केपी इंटरप्राइजेस के माध्यम से मलेशिया में नौकरी देने के नाम पर 1,65,000 रुपये लेकर उसके साथ धोखाधड़ी किया है। नौकरी न मिलने पर अपने दिए हुए पैसे बार बार वापस मांगने पर, गोसावी द्वारा रिटर्न न करने पर, बीते दिन युवकों ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में किरण गोसावी का फोटो आर्यन खान के साथ देखने पर उनके धोखाधड़ी करने वाला युवक की पहचान होने पर तुरंत दोनों युवकों ने केलवे रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी किरण गोसावी के खिलाफ 420 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उसकी खोजबीन के लिए पालघर केलवे रोड की एक टीम जुट गई है। पेश है पालघर बुईसर से आर के गौतम की रिपोर्ट। केलवा पुलिस स्टेशन के तहत एडवन गांव के दो युवक श्री आदर्श केनी और श्री उत्कर्ष तरे, इनको केपी इंटरनेशनल एक कंपनी के फेसबुक पे कुछ लोगों की पहचान हो गई और इन्होंने ये पीड़ित युवकों को मलेशिया में नौकरी देने का प्रॉमिस करने के बाद उनसे 1,65,000 इतनी रकम उनसे ली गई और उनको कोची से मलेशिया और वापसी का टिकट भी दिया गया। पालघर के युवक जब पनवेल से लेके कोची तक ट्रेन से पहुँचे तो कोची एयरपोर्ट पे पहुँचते ही उनको मालूम पड़ा कि ये जो रिटर्न वापसी का टिकट है ये सब बोगस है और झूठा है, गलत है। तो उसके कारण वो लोग वापस आ गए और उनको फंसाया गया था, ऐसा उनको मालूम हुआ। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट दी थी उसके मुताबिक भारतीय दंड विधान के कलम 406, 465, 468, 471 इसके तहत अपराध दर्ज है और केलवा पुलिस स्टेशन इसकी जांच कर रही है। आरोपी को ढूंढने के लिए टीम रवाना हो गई है और इसके बारे में पूरी कोशिश की जा रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ें और डिटेल्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करें। तो पालघर पुलिस इसके बारे में कोशिश कर रही है कि आरोपी को जल्दी से जल्द ढूंढ के उनको गिरफ्तार करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी कोशिश की जा रही है।